आप देख रहे हैं YMS News 24। आइए देखते हैं आज की खबर कुम्हारी दमोह मध्य प्रदेश से। केडी जंग ब्लॉक ब्यूरो चीफ एवं रुक सिंह लोधी कैमरामैन के साथ। रविवार की सुबह कुम्हारी चौराहे पर RTO जिला अधिकारी के द्वारा वाहनों की सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें रोड पर निकलने वाले वाहनों ओवरलोड बसों में सवारियों की संख्या पर सख्त कार्रवाई करते हुए चलान की कार्रवाई की गई। वही जानकारी में बता दें, सीधी में हुए दर्दनाक बस हादसे से सतर्कता बरतते हुए कलेक्टर के आदेश अनुसार सप्ताह भर में 1 लाख से ज्यादा वाहनों के चलान की कार्रवाई की गई। साथ ही जिले भर में चल रही वाहन चेकिंग के चलते इंटीरियर क्षेत्र में भी RTO के द्वारा चेकिंग चलाई जा रही है। साथ ही चालकों और क्लीनर सभी को यातायात संबंधी नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। जिलाधिकारी क्षितिज सोनी, सहयोगी टीम रहमान खान, देवघर द्विवेदी, जगदीश आदि कुम्हारी क्षेत्र में वाहनों के चेकिंग अभियान में शामिल रहे। हाँ सर, कुम्हारी क्षेत्र में पहली बार चेकिंग लगी है, बताइए। चेकिंग तो सर पूरे जिले में लगती है, पूरे जिले में न केवल मुख्यालय बल्कि इंटीरियर में भी सघन चेकिंग के आदेश दिए। उसी के पालन में पिछले 1 हफ्ते हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ जो भी सूचनाएँ मिलती हैं या जो भी मीडिया में निकलता है, जहाँ भी अवैध संचालन होता है वहाँ पर चेकिंग की जा रही है। और अभी तक 1 लाख से ऊपर के चालान पिछले 1 हफ्ते में किए जा चुके हैं, आगे भी कार्रवाई जारी है।